ऑलराइट, तो क्वेश्चन आया है कि भाई जो वाइफ जो हस्बैंड है वो सेक्शन 9 की धमकी दे रहा है तो क्या करें? अब आप लोग कहोगे यार सेक्शन 9 की धमकी, तो देखो कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, ठीक है, तो उन्हें बताना पड़ता है, तो जैसा कि हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं। तो देखो सेक्शन 9 की ना धमकी नहीं होती, अगर आपको धमकी देता है ना, तो मैं आपको बता दे रहा सेक्शन 9 क्यों करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के पास नहीं रह रहा या वाइफ हस्बैंड के पास नहीं रह रहा तब करते हैं, यानी कि जो वाइफ है वो रूस गई है हस्बैंड से तब करते हैं, या जो हस्बैंड है वो वाइफ को रख ही नहीं रहा है किसी छोटी मोटी लड़ाई के लिए तो वाइफ करती है। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये सिविल केस है, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है, कोई आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है, ठीक है। तो हस्बैंड ने आपको सेक्शन 9 की धमकी नहीं दी है, वो आपको सेक्शन 9 इसलिए बोल रहा है कि वो आपको रखना चाह रहा है, बस वो आपको डरा इसलिए रहा है कि आपको कोर्ट कचहरी का पता नहीं है, तो इसलिए वो आपको डरा रहा है, ठीक है। तो अगर डालता है तो आपने क्या करना है, जैसे ही उसने सेक्शन 9 डाला तो आपने हाँ बोलना है कि भाई मैं रहने के लिए तैयार हूँ, जज साहब डिग्री पास कर दो, मैं रह लूँगी, मुझे मतलब जीना है, इसके साथ रहना है, मेरी जान छोड़ो, ठीक है, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि यार हस्बैंड बोलता है कि मैंने भाई वाइफ के लिए सेक्शन 9 डाल दिया, ठीक है, वो आ नहीं रही है। तो देखो अगर आप वाइफ हो यार क्यों ऐसा करते हो, आप अपने घर जाओ, ठीक है, आप मतलब छोटी मोटी लड़ाई हर फैमिली में होती है। और ना लोग पूछते हैं कि यार एक ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार कोर्ट सुनेगा, तो आपको एक बात बता दूँ, कोर्ट होता है ना वो ना फैमिली मैटर में ना वो बहुत ना वो हो जाता है फ्रीजाइल। सपोज वो क्रिमिनल केस में वो किसी को बोलता है खड़ा हो, तो वो फैमिली मैटर में ना ऐसे बोलेगा हाँ जी क्या 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 मैटर है आपका, मतलब समझ रहे हो ना कहने का मतलब, वो फ्रीजाइल हो जाता है ना, बहुत फ्रीजाइल नहीं मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, वो इतना नरम हो जाता है फैमिली मैटर में। तो आपने देखा होगा ना, तो अगर हम सेक्शन 9 और डाइवोर्स को वो करें ना वर्सेस, तो सेक्शन 9 जीतेगा, क्योंकि कोर्ट को भी पता है यार हर फैमिली में ना छोटी मोटी लड़ाई होती है, तो इसके बेस पे हम ये नहीं है कि डाइवोर्स दे दें, ठीक है, क्योंकि डाइवोर्स देना यार एक बहुत बड़ा वो है, समझ रहे हो। तो इसका अपोजिट है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 क्या है, वो चाहते हैं, कोर्ट खुद चाहती है कि यार हस्बैंड वाइफ एक साथ रहें, क्यों पचड़ा पड़े, दूर रहेंगे फिर नई शादी होगी फिर केस होंगे, ठीक है, फिर और पचड़े होंगे, इससे अच्छा भाई ठीक है यार अपने साथ रहो, एक साथ रहो, बस अपने मैटर अपनी फैमिली, क्योंकि शादी यार देखो तुम्हें भी पता है बार बार तो होती नहीं, ठीक है, मतलब होती भी नहीं है और लोग करते भी नहीं है, ठीक है, एक बारी जी लेते हैं ज़िंदगी देख लेते हैं, फिर उनका विश्वास भी हट जाता है, ठीक है, तो आपको पता है शादी डेली तो होती नहीं। तो कोर्ट खुद चाहती है कि यार इनका कोई मैटर ना हो। तो अगर आपको जो आपका हस्बैंड सेक्शन 9 की धमकी दे रहा है तो ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बोल दो कि आप डाल दो सेक्शन 9 बस, और आपको क्या करना है, आपको पेश होके अपना मतलब दे देना कि भाई हाँ अभी मैं रहना चाहती हूँ बस, ठीक है। तो सेक्शन 9 वो क्यों डाल रहा है, वो आपको रखना चाहते हैं इसलिए तो डाल रहा है, ठीक है, ओके। कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं डाल रहा ना हस्बैंड, तो डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ठीक है, फिर भी कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम पे हमें लीव कर सकते हो अपनी क्वेरी। तो इंस्टाग्राम पे लीव करने का प्रोसीजर ये है, गरीब अकबर नाम का एक अकाउंट होगा।